जैनिथल प्रोजेक्शन इज़ आर टुडेज टॉपिक और जैनिथल प्रोजेक्शन के अंदर जो सब टाइप्स हैं उनमें से एक टाइप हम डिस्कस करेंगे आज चूके है जैनिथल नोमिक पोलर प्रोजेक्शन सो दिस इज हाउ द नेम ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्शन इज गिवेन क्योंकि जैनेथल द वर्ड जैनेथल मीन्स द पेपर

प्लेन पेपर नमोनिक लाइट इन देंटर पोलर प्ले द पेपर ऑन द पोल अच्छा जी इसके इन क्वेश्चन इन प्रोजेक्शन के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि ड्रॉ जेनेथल नमोनिक प्रोजेक्शन फॉर नॉर्थ पोलिंग आर एफ वन रेशो टू फिफ्टी मिलियन एंड प्रोजेक्शन इंटरवल ऑफ फिफ्टीन डिग्री सो दैट्स आर द क्वेश्चन होल क्वेश्चन इज गिवेन फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रोजेक्शन सो पहली चीज आपको समझना यह है कि ये तीन एस्पेक्ट पोलोनिक और जैनिथल इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ टू फाइंड द रिड्यूस्ड रेडियस अच्छा हम जो भी प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें दो चीज़ें हमें करनी होती हैं लाइक देर आर टू स्टेप्स इन अ प्रोजेक्शन टू मेजर स्टेप्स पहला स्टेप होता है विच आई कॉल एज द प्रोजेक्शन बेसिस यानी एक्चुअल प्रोजेक्शन बनाने के लिए जो सेटिंग की जाती है जो बेस बनाई जाती है दैट इज द प्रोजेक्शन बेस और सेकेंड स्टेप में सेकेंड मेजर स्टेप के अंदर वी मेक द एक्चुअल प्रोजेक्शन सो प्रोजेक्शन बेसिस में पहला पार्ट नेसेसरी कैलकुलेश क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है तो सबसे पहली कैलकुलेशन होती है रिड्यूस्ड रेडियस सो टू मेक ऑल दीज प्रोजेक्शन्स हमें बनाना होता है एक अदर सर्कल जो कि रेप्रजेंट करता है अर्थ को तो ऑफकोर्स वी आर मेकिंग एनी सर्कल हमें रेडियस पता होना चाहिए तो दो रेडियस हमारे प्रोजेक्शंस के अंदर होती हैं एक अर्थ का एक्चुअल रेडियस और एक रिड्यूस रेडियस यानी उस सर्कल का रेडियस जो हम बनाने जा रहे हैं या हर प्रोजेक्शन में हमें वो आ, सर्कल बनाना होगा सो दैट इज़ द रेड्यूस्ड रेडियस ओके वी अगेन आई एम टेलिंग यू देर आर टू रेडियस टू टाइप्स ऑफ रेडिया आई द एक्चुअल रेडियस जो कि अर्थ का असली रेडियस है दैन द रिड्यूस्ड रेडियस दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल वीथ वी आर गोइंग टू ड्रॉ ऑन द पेपर सो रिड्यूसड रेडियस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Actual radius of Earth divided by RF ground value. So, this is the formula actual radius of Earth and the RF ground value. So how to find out the actual radius so for that you need to memorize the actual radius of Earth, which is simple, not that difficult and the RF ground value can be found by from the found from the RF which is given in the question this one. This is the RF. One ratio 250 million i forgot to add three zeros before and so now i've corrected it 250 million million has six zeros so you see 250 and then six zeros so this number this is the number uh, we will be needing for this calculation of reduced radius, okay? rf Its one ratio 250 million has so this one is the map unit the map number and this 250 uh, million is the ground uh, value ठीक है मैप वैल्यू एन ग्राउंड वैल्यू सो हमें ग्राउंड वैल्यू की जरूरत है टू फिफ्टी मिलियन और यहां पर एक और वैल्यू हमें चाहिए विच इज द एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ सो एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ ओके सो द एक्चुअल रेडियस ऑफ टू फिफ्टी मिलियन इंचिस क्योंकि हमें काम इंचज पर करना है इस वजह से हम अर्थ का रेडियस इंचिस में ले रहे हैं टू फिफ्टी मिलियन इंचज इज़ द एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ और अगर आप ये सेंटीमीटर्स में देखें तो इट्स सिक्स थ्री सेवन मिलियन सेंटीमीटर्स के सो एम के एस सिस्टम के अंदर सिक्स थर्टी सेवन और एफ पी एस सिस्टम के अंदर इंची मिलियन राइट सो नाउ लेट्स कैलकुलेट रिड्यूस रेडियस का आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आर आर ओके सो रिड्यूस रेडियस एक्चुअल रेडियस इज टू फिफ्टी मिलियन टू थ्री टू थ्री डिवाइडेड बाय द Ground value of RF is also two fifty million. So when we divide it, we get reduced radius as one inch. Okay, so one inch. And don't forget to write the unit for the actual radius of earth. Okay, two fifty million inches I टर के अंदर देन, इन द डिनिनेटर वी डू नॉट क्योंकि ये आरएफ से लिया गया है इंच इज द रिड्यूस्ड रेडियस ये एक कैलकुलेशन हो गई इसके अलावा दूसरी क्या कैलकुलेशन है, है हमारे पास प्रोजेक्शन इंटरवल सो ऑफकोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स सो हम सारी लाइनें एक प्रोजेक्शन के अंदर नहीं बनाते बल्कि एक ख़ास इंटरवल लेके उसकी बेस पर वी ड्रा द पैरल्स एंड मेरीडियंस ओके सो क्या इंटरवल उसके लिए दिया हुआ है फिफ्टीन डिग्रीज इंटरवल एंड वी आर डूइंग इट फॉर द नॉर्थ पोल दैट इज़ द नॉर्दर्न हेमीसफेयर सो हम इसको स्टार्ट करेंगे we will make list of parallels. We can say the lines of latitudes. So list of parallels to be made for the Northern Hemisphere. So the Northern Hemisphere, we will have zero, then 15 degree interval. Tha. So let's write down fifteen degrees interval. Fifteen degrees interval. Zero followed by fifteen, then thirty, then forty-five, then sixty, then seventy-five, and then ninety. So this is our list of पैरेलल्स इसमें एक कमी है और वो क्या कमी है we did not write the degrees and we have to specify i don't know, for some reason it's not going up 0 degrees north Never mind for this, there I think there are some. Okay. So you have to write जीरो डिग्रीज नॉर्थ और जो भी आप जिस हेमिसफेयर का ले रहे हैं यू मस्ट राइट डाउन डिग्रीज नॉर्थ एंड डिग्री साउथ दैट्स वाइट दैट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि इसी से डिफाइन होता है कि हम कौन से हेमिसफेयर पर वर्कआउट करें ओके देन यू विल मेक द लिस्ट ऑफ मैरिडियंस एंड अगैन लिस्ट ऑफ मेरीडियंस इसमें पूरा ग्लोब uh, क्योंकि एक हेमिसफेयर की हम बात कर रहे हैं तो एक हेमिसफेयर के अंदर इट्स कवरिंग द होल एक्सटेंट दैट मीन्स के पूरे थ्री सिक्सटी डिग्रीज का मेरीडियन कवर होगा वी हैव थ्री सिक्सटी मेरीडियंस सो वी विल स्टार्ट फ्राम ज़ीरो डिग्री विच इज़ द प्राइम मेरीडियन प्राइम मेरीडियंस स्टार्ट करेंगे और उसके साथ

आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे वी हैव टोटल थ्री सिक्सटी मेरेडियंस ना तो उसको हम हाफ में डिवाइड करते हैं वन एटी तक ईस्ट वन एटी तक ईस्ट डिग्री ईस्ट लगेगा और फिर दूसरे वन एटी पे डिग्री वेस्ट। वेस्टीन्यू जीरो और इसी तरह से फिर आप दूसरी लिस्ट बनाएंगे

ओके इसके बाद अब हमारा प्रोजेक्शन बेस मेकिंग का स्टेप आ जाएगा सो नाउ इन द प्रोजेक्शन बेस मेकिंग स्टेप हम सबसे पहले बनाएंगे सर्कल एंड सो प्रोजेक्शन बेस मेकिंग स्टेप वन विल बी टू ड्रॉ सर्कल इक्वल्स टू ड्रॉ सर्कल यूजिंग एन आर्क यानी आपको कंपास लेना होगा उसका आर्क ओपन करना है और कितना आर्क खुलना है इक्वल टू रिड्यूस्ड रेडियस यानी इस केस में आपके पास है वन um, इंच ठीक है वी आर नॉट गोइंग फॉर द सेंटीमीटर थिंग आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं वही प्रोसीजर uh, होगा सिक्स थर्टी सेवन था मिलियन को डिवाइड करेंगे टू फिफ्टी मिलियन से बट वी आर एक्सक्यूज मी वी आर यूजिंग द इंच सिस्टम तो आप एक सर्कल बनाएंगे जिसका आर्क होगा रिड्यूस्ड रेडियस के बराबर ओके सो यू विल मेक अ सर्कल यूजिंग कंपास क्योंकि यहां मेरे पास कंपास नहीं है तो आई विल मेक अ सर्कल ड्रॉ

using compass sorry protractor using protractor or b mark the parallel angles on the circle on the edge of the circle ओके सो यू हैव टू मार्क द एंगल्स ऑन वन क्वाड्रेंट ओनली सिर्फ एक क्वाड्रेंट पे आप एंगल्स मार्क करेंगे पैरल्स हमने कितने मार्क किए थे इफ वी गो बैक वी सी हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन हमारे पास पैरल्स हैं जो जीरो डिग्री से सॉरी देयर शुड बी नॉर्थ सो so, जीरो के साथ कोई ना नॉर्थ आता है ना साउथ आता है जीरो डिग्रीज इज द इक्वेटर और फिर इसके साथ ये वैल्यूज हैं इन सारे एंगल्स को आप मार्क करेंगे किसी एक क्वाड्रेंट पर क्वाड्रेंट कहते हैं सर्कल के अगर आप चार हिस्से करें तो उनका एक पोर्शन लाइक आप पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं फिर एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो उसके बाद जो सर्कल के चार पीस बनते हैं उनमें से एक पीस कहलाता है वन क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ओके सो यू हैव टू मार्क दीज एंगल्स जो लैटीट्यूड uh, के एंगल्स थे वो आपने मार्क करने हैं सर्कल के एक क्वाड्रेंट पे और उसका मेक डाया मीटर और हॉरिजॉन्टल डायमीटर फर्स्ट आप सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर बना लें उस पर Just take a line and then make the horizontal diameter or skibad, you take another and make another one. ओके okay. सो so, आपके पास आ गए चार क्वाड्रेंट उसमें से किसी एक किसी भी एक क्वाड्रेंट पे बनाएं आई वुड सजेस्ट कि आप टॉप राइट क्वाड्रेंट को यूज़ करें क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है टॉप लेफ़्ट भी यूज़ कर सकते हैं टॉप राइट भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ऊपर वाले में से कोई एक यूज़ करें बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑब्वियसली डूइंग इट फॉर द नॉर्दर्न हेमीस्फेर नॉर्थ पोल ठीक सो अब इसके बाद आप यहाँ पर मार्किंग स्टार्ट करेंगे सो लेट्स सपोज आपने यहाँ पे डी रखा सेंटर पे डी को प्लेस किया और उसके बाद यू आर यू आर मार्किंग दीज एंगल्स तो हमें 15 डिग्री के इंटरवल पे करना है इस वक्त मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है सो मैं सिर्फ अंदाजे से इसको बना रही हूँ बट आप इसको करेंगे प्रोटेक्टर से ठीक है दीज आर अट अगली लेकिन काम चल जाएगा ओके okay. सो so, ये एंगल्स मार्क कर लिए हमने और इसके बाद जस्ट लेबल दोज एंगल्स सो पहला है जीरो डिग्रीज Since it's difficult for me to mark the degree sign again and again. That's why I'm not writing degrees like in have Banana Hoga. So do not forget to mark the degree signs. Degree sign and then the north or south thing or east or west thing. So this is zero degrees. then we have 15 degrees after 15 it will be 30 degree देन फोर्टी फाइव डिग्रीज फॉलोड बाय सिक्सटी डिग्रीज नॉर्थ सारी लेबलिंग के साथ आपने नॉर्थ या साउथ जरूर मैंशन करना है सिक्सटी डिग्रीज सेवेंटी फाइव डिग्रीज़ और एंड में हमारे पास आएगा नाइन्टी डिग्रीज़ नॉर्थ विच इज़ द नॉर्थ पोल दिस इज द प्रोजेक्शन बेस ओके एंगल मार्क करने के बाद अगला स्टेप है आपका मेक आ टेंजेंट टू नाइन्टी डिग्री नॉर्थ पॉइंट Tangent to 90 और कहते हैं ऐसी जो circle के किसी एक point को टच करती हुई जाए तो जब हम कहते हैं कि 90 डिग्री से टेंजेंट बनाना है इट मींस के 90 डिग्री की जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर हो मीन्स इट शुड degree एंगल विद द

हमने ये क्वाड्रेंट्स बनाए क्वाड्रेंट बनाने के बाद एंगल्स मार्क किए और एंगल्स की मार्किंग के बाद नाउ वी नोमोनिक प्रोजेक्शन और नोमोनिक प्रोजेक्शन के अंदर लाइट होती है सेंटर में सो व्हेन द लाइट इज इन सेंटर इट मींस के इसका शेडो जो कास्ट होगा वो सीधे सीधे हैरोज की फॉर्म में जाएगा सो नावी हैव टू कास्ट द शेडो ऑफ दीज फीचर्स सो प्रोजेक्शन बेस मेकिंग और उसका अगला स्टेप है Join the seventy five degree north marking with the centre of the circle. Join the seventy five degree marking. जो आपने एज में सेवेंटी फाइव डिग्री की मार्किंग की थी दिस वन इस मार्किंग को आपने ज्वाइन करना है सेंटर ऑफ द सर्कल से सो हियर दिस इज द सेवेंटी फाइव डिग्री मार्किंग इसको आप ज्वाइन करेंगे सर्कल के सेंटर से यूजिंग अ रूलर स्केल यूज करते हुए आप सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद इसी स्टेप के अंदर है दोनों को ज्वाइन करने के बाद लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे जब तक के वो टेंजेंट से ना मिल जाए ज्वाइन द 75 डिग्री पॉइंट विद द सेंटर एंड एक्सटेंड द लाइन टू तो मीट द टेंजेंट ये टेंजेंट है इससे कनेक्ट करना होगा सो हाउ दिस इज डन लेट्स सी ये सेंटर से आपने स्टार्ट किया 75 डिग्री तक लेके गए और उसको आगे एक्सटेंड किया कहां तक टेंजेंट तक सो दिस इज द लाइन जॉइन द 75 डिग्री मार्किंग विद द सेंटर ऑफ

बाकी सारे पैरेलल मार्किंग से मार्किंग्स के लिए भी रिपीट करना है सो इंसर्ट एरो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर आपने स्केल रखा सेंटर पे स्केल को फिर आपने 60 डिग्रीज पर रखा और उसे आप एक्सटेंड करके ले गए कहाँ तक टेंजेंट तक नाउ एनदर वन यू विल स्टार्ट फ्राम द सेंटर फोर्टी फाइव डिग्रीज तक लेके गए और उसको आगे एक्सटेंड कर दिया और इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि आप बिल्कुल प्रिसाइस मेजरमेंट्स करें कोई उसमें बीच में स्पेसिंग नहीं आनी चाहिए यहाँ पर मेरा थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू भी होगा क्योंकि मुझे टाइम का भी ख्याल रखना है और फिर आई हैड टू कवर द थिंग विद इन द लॉट ऑफ टाइम्स वजह से थोड़ा सा मैं इसको ओवर लुक कर रही हूँ बट यू गाइज डोंट डू दैट वाइल यू आर डूइंग इट बाई सेल्फ ओके सो सेंटर से थर्टी डिग्री को कनेक्ट किया और फिर एक्सटेंड किया टेंजेंट तक मिलने का दैन वी आर रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर फॉर ऑल the lines. Okay, so these are all the markings for all the parallels. अब आपको ये जितनी भी markings हैं ये है आपका next step. मार्क ऑल द पॉइंट ऑन देंशेंट एंड लेबल दम अकॉर्डिंग टू देअर प्रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड्स आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को आप करेंगे मार्क एंड हाउ विल यू मार्क दीज लाइन्स लाइक like दिस इस तरह से आपने सारी लाइंस को मार्क कर देना है so we have marked all the points uh, on the tangent now next step will be extend the 90 degrees line extend the 90 degrees line let, let me write that extend the 90 degrees line

हम सबसे पहले 90 डिग्री वाली जो लाइन है इसको करेंगे एक्सटेंड यानी सर्कल के बाहर इसको ऊपर तक एक्सटेंड करना है सो दैट्स हैव एक्सटेंडेड और उसके बाद हमें ये जितनी भी मार्किंग्स हैं इन सारी मार्किंग्स को कनेक्ट करना है 90 डिग्री के पॉइंट से अच्छा ये वाला जो स्टेप है ये ऑप्शनल है ये ऑप्शनल इस तरह से है कि अगर आपकी ये मार्किंग्स क्लियर है तो फिर आपको इस स्टेप की जरूरत नहीं होगी एंड इफ द मार्किंग्स आर नॉट क्लियर देन यू नीड इट आपने करना क्या है इसको आई एम जस्ट शोइंग इट विद फ्री फॉर्म ड्राइंग ये आप इसे ऊपर तक लेके जाएंगे और फिर इसको यूं कनेक्ट करेंगे लेकिन ये काम आपने रूलर से करना है इस लाइन को सीधा एक्सटेंड किया और फिर इसको कनेक्ट किया सो so, ये पैरेलल लाइंस हैं दिस वन एंड दिस वन दिज आर पैरेलल लाइंस, और इनको फिर हम कनेक्ट कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको अगर सेवेंटी फाइव डिग्री का uh, जो एक्चुअल प्रोजेक्शन क्योंकि ये तो हम प्रोजेक्शन बेस बना रहे हैं इन एक्चुअल प्रोजेक्शन वन यू हैव टू मार्क द सेवेंटी फाइव तो आपको पता होगा कि ये जो पहला फ्लोर है ये वाली लाइन यहाँ पर लेट मी मेक इट विद डिफरेंट कलर दिस रेड वन आपकी ये जो रेड लाइन होगी दिस रेड लाइन फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम देयर ये नाइन्टी डिग्री नाइंटी डिग्री का जो पॉइंट है एग्जैक्टली exactly इस जगह पर इस नाइन्टी डिग्री के पॉइंट को सेवेंटी फाइव डिग्री के एच तक यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपकी मार्किंग होगी सेवेंटी फाइव की एंड फॉर सिक्सटी फ्रॉम हेयर मेरा पॉइंट आप देखिए एंड देन टू हेयर यहां से चेकआउट माई पॉइंटर फ्रॉम हीयर टू हेयर ये डिस्टेंस होगा सिक्सटी डिग्री का इसी तरह से आप फोर्टी फाइव को भी करना चाहें तो यू कैन डू दैट एंड अगेन अगर आपकी ये मार्किंग जिस तरह से मेरी uh, बिल्कुल क्लियर uh, मार्किंग इस वक्त बनी हुई है अगर ऐसी मार्किंग है तो यू डू नॉट नीड टू डू दिस स्टेप बट अगर आपकी मार्किंग क्लियर नहीं है फिर आपको जरूरत पड़ेगी इस तरह से आपने ये लाइन्स बनाई और हर मार्किंग यहां से लेकर जो हमने वर्टिकल लाइन बनाई है उस वर्टिकल लाइन से एज तक कॉर्नर तक आप मार्क करेंगे तो वो आपके distance of parallel upka from here to here top here marking now your projection base is complete and now it's time for the actual projection construction so actual projection so for the actual projection you will make a vertical line draw a vertical line in the center of the page uh, page ke center pe ek vertical line and let me write down the Steps this one. okay. So draw a vertical line in the center of the page.

ओके okay. now एंड मार्क द सेंटर ऑफ द लाइन लाइन के बिल्कुल middle में एक मार्किंग करनी है आपने सो दिस इज इट ये मार्किंग आपने कर दी Okay, so this is the center. Now, what do? Mark all the distance along the parallel, along the tangent, on the vertical line. Mark. all the marking on the tangent in projection base जो projection base में आपने tangent बनाई थी tangent line उसमें जितनी भी markings थी वो सारी marking आपने उस vertical line पे mark करना है like here from नाइन्टी डिग्री वर्टिकल लाइन टू दिस मार्किंग ठीक है आप यहाँ से यहाँ तक आप कंपास लेंगे और कंपास लेने के बाद कंपास से आपने कंपास का नीडल यहाँ पे रखा और फिर उसको एक्सटेंड किया यहाँ तक या चाहे तो आप यहाँ से और यहाँ तक लें एक ही बात है सो यू हैव टेकन दैट रीडिंग एंड देन आफ्टर टेकिंग दिस रीडिंग यू हैव टू मार्क दैट along the vertical line. So now let's mark it using this line. आपने यहाँ pe marking की और ये marking किस तरह से आपने की है Using protractor अब दोबारा से आप वहाँ जाएंगे फिर 90 डिग्री से लेकर और 60 डिग्री तक का आर्क ओपन करेंगे और आर्क ओपन करने के बाद आप यहाँ पर एक तीसरी मार्किंग लगा देंगे ओवर here. then you will take the third reading from 90 degree to 45 or ske you will mark another point here and keep on labeling these points together. center 90 degree then this is 75 this is 60 this is 45 or ye. थर्टी वाली जो लाइन है ना दिस वन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द नाइंटी डिग्री थर्टी का पॉइंट आपने इसमें थर्टी के लिए मार्किंग की थर्टी एंड देन फॉर फिफ्टीन ठीक है नाउ टेकिंग द कंपास

तो so, ये आपने सर्कल बनाया यहाँ ज़रा मेजरमेंट का थोड़ा सा इशू हो रहा है लेकिन आपके पास कम्पासीज होंगे तो यू कैन डू दैट इजीली ओके ओके ये आपने सर्कल बनाया यूज़िंग कंपास फ्राम द टेकिंग आर्क फ्राम द सेंटर टू द फर्स्ट मार्किंग उसके बाद आप सेकेंड सर्कल बनाएंगे और इसको भी आप सेंटर से लेंगे और उसे फिर आप एक्सटेंड करेंगे थर्टी डिग्री की मार्किंग तक माय सर्कल्स आर नॉट सिमेट्रिकल बट योर्स वन विल be symmetrical वंस यू स्टार्ट यूजिंग द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स ये हमारी एक्चुअल प्रोजेक्शन बन रही है आप सेंटर से जितनी भी मार्किंग आपने की है वहां तक की मार्किंग्स को आपने लेते हुए सर्कल बनाना है Then, पैरेल आर ड्रॉन ये जो हमने सर्कल्स बनाए हैं ये सारे पैरल्स हैं और इनकी लेबलिंग करनी है सेंटर में हमारे पास आएगा नाइंटी डिग्री सो द सेंटर विल हैव नाइंटी डिग्री नॉर्थ मार्किंग सो दिस इज़ द सेंटर इस पर मार्क किया हमने 90 डिग्री और इसके बाद वाली लाइन हमारी सेवेंटी फाइव डिग्रीज नॉर्मली इसमें क्या एक मिस्टेक करते हैं सब के दे थिंक के सेंटर पे इक्वेटर है तो वो सेंटर में ज़ीरो मार्क करते हैं दिस इज नॉट द केस सेंटर में आपका 90 डिग्री आएगा अगर आपको यहाँ इस वाले स्टेप से याद हो तो हमारा रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री है ओवर हियर और हमने 90 डिग्री से ही सारे डिस्टेंसिस को कैलकुलेट किया है इस वजह से ऑल आवर रीडिंग्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम 90 डिग्री तो इस तरह से ही आपने इसको एक्सटेंड करना है 60 डिग्री नॉर्थ जहाँ आपको स्पेस uh, अवेलेबल हो इस तरह से आपने लेबल करना है कि एक लेबल दूसरे लेवल से मैक्सअप ना हो जाए सो दिस इज फोर्टी फाइव डिग्रीजन वी हैव थर्टी डिग्रीज एंड इन दी हैव फिफ्टीन डिग्रीज द लास्ट मंथ फिफ्टीन डिग्रीज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेटर इज नॉट प्लॉटेड बिकॉज इक्वेटर कैन नाट बी प्रोजेक्टेड इक्वेटर कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड इन नोमिकल नोमिक प्रोजेक्शन वजह क्या है ये इक्वेटर की लाइन है यहाँ पर और इक्वेटर की लाइन टेंजेंट के पैरल है और पैरल नेवर मीट ईच अदर सो इन प्रोजेक्शन इक्वेटर कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड इक्वेटर का शेडो पेपर पर पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि इक्वेटर ये इक्वेटर की लाइन और ये हमारा टेंजेंट यानी पेपर तो दोनों पैरल हैं तो पैरल लाइन्स कभी भी मीट नहीं करती इस वजह से ये दोनों इनका शेडो नहीं पड़ेगा ना वी हैव टू ड्रॉ द मेरीडियंस उसके लिए आप डी यूज करेंगे और डी से हर 15 डिग्रीज पे मार्किंग करेंगे तो आपका पैरल मेरिडियंस आपके बन जाएंगे तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अब मैंने ये क्वाड्रेंट बना दिया वर्टिकल लाइन पहले से बनी हुई थी एक हरिजेंटल लाइन बनाई तो आप कहीं पर भी चाहें तो आप इसे ज़ीरो दे सकते हैं आई वुड से कि आप टॉप जो पॉइंट है वहाँ पर आप लेबल करें जीरो डिग्रीज यानी के प्राइम मेरिडियन अच्छा जीरो डिग्रीज के साथ ना ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कुछ भी नहीं आता है सो दिस इज जीरो डिग्रीज और उसके बाद उसके बिल्कुल ऑपोजिट पे हमारे पास होगा वन एटी डिग्रीज वन एटी डिग्रीज वन एटी डिग्रीज और नॉर्थ नहीं आएगा इसमें आएगा ईस्ट और साथ में वेस्ट बिकॉज वन एटी डिग्री वेस्ट और वन एटी डिग्री ईस्ट की जो लाइन है वो एक ही लाइन है एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन सो दिस इज वन एटी डिग्री ईस्ट स्लैश वेस्ट बिकॉज दिस इज द सेम लाइन अच्छा जी यहाँ पर ये जो हमने क्वाड्रेंट बनाया है इसमें ऑफकोर्स दिस वन ओवर हीयर दिस विल बी लेबल्ड एज नाइन्टी डिग्रीज क्योंकि ये हमारे राइट साइड पर है सो दिस विल भी ईस्ट नाइन्टी डिग्री ईस्ट सो इसके एग्जैक्टली अपोजिट हमारे पास होगा नाइन्टी डिग्रीज वेस्ट तो दिस इज़ नाइन्टी डिग्री वेस्ट और इसके बाद आप यहाँ पे सेंटर में सारी मार्किंग करेंगे मेरे पास शॉर्टकट है तो मैं उस शॉर्टकट से करूँगी बल्कि यू कैन ऑल्सो डू दैट आप सिर्फ दो साइडों पे मार्किंग करें एक यहाँ पर मार्किंग करें पहले राइट टॉप क्वाड्रेंट पे और फिर लेफ्ट टॉप कॉर्डेंट पे एंड देन यू कैन स्टार्ट इट लाइक दिस ये फोर्टी डिग्रीज है आई नो देट फ्राम 45 डिग्री और दूसरे फोर्टी तक मैंने ये लाइन बना दी सो फोर्टी फाइव इसके बाद यहाँ पर भी मैं 45 फाइव डिग्रीज मार्क करूंगी और इसके ऑपोजिट ये चला जाएगा तो ये लाइंस बन जाएंगी तो आपको बार बार एंगल्स को मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ दो क्वाड्रेंट्स पे आप मार्क कीजिए और फिर उसको एक्सटेंड करेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वही हो जाएगा ओके okay, सो so, मुझे पता है कि फोर्टी फाइव के बाद हमें दो लाइंस और बनानी होंगी सो लेट्स गो फॉर दैट सो ये है आपका एक्चुअल प्रोजेक्शन एंड यू हैव टू लेबल ऑल द पॉइंट्स ये सारे पॉइंट्स को इनके अकॉर्डिंग लेबल कीजिएगा अब तो क्योंकि मेन चीजें फिलअप हो गई हैं तो इट्स इजी फॉर यू टू गैस uh, के अब कौन सी वैल्यू कहाँ पे प्लॉट होगी सो so... पोलर प्रोजेक्शन सेंटर में पोल है और इसके बाद इसके अपोजिट It got disconnected due to some reason. So let's continue. All right, so we were drawing the meridians on zenithal mnemonic polar projection. Okay, so this is our actual projection or it may her point where you have to label the uh, meridians, okay? 0 degrees, 15 degrees east, 30 degrees east, 45 degrees east, then 60 degrees, 75 degrees, 90, and then so on and so forth. So you have to continue that till the circle is completed. So this is zenithal mnemonic polar projection. And the properties of this projection are left, but we will discuss that in our next class.